लोकसभा में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर देश विरोधी अभियान चलाने का आरोप लगा दिया। इस आरोप में तमाम ऐसे फैक्ट शामिल थे जिससे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बनता दिखा। दरअसल निशिकांत दुबे जो कि सांसद हैं, उन्होंने चीनी फंडिंग के जरिए पीएम मोदी और देश के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगा दिया। इस बीच चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने में नेविल रॉय सिंघम का भी खूब नाम उछला। मोदी विरोधी वेबसाइट के रूप में पहचानी जाने वाली और आरोपों का सामना करने वाली न्यूज क्लिक का चीन और सिंघम से आखिर कनेक्शन क्या है, इसको लेकर अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिला देने वाला खुलासा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दो दिन पहले यानी 5 अगस्त 2023 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसके बाद चारों ओर चर्चा होने लगी है कि आखिर ये नेविल रॉय सिंघम है कौन और भारत के साथ इसकी दुश्मनी क्या है। दरअसल आज सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह मुद्दा उठाया। सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चीनी फंडिंग के जरिए पीएम मोदी और देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। वहीं न्यूज क्लिक पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि साल 2021 में ईडी की जांच में सामने आया था न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। इसकी सुई भी सिंघम पर आकर रुकी थी। तब बीजेपी ने आरोप लगाया था कि देश विरोधी ताकतें विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को कमजोर कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निशाना बनाने के लिए लगातार प्रोपेगेंडा फैला रही। अब उसी को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच के मुताबिक चीन अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए खुद को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से बचाने में सफल रहा है। चीन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप लगता रहा है। वहीं इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ये न्यूज पोर्टल में चीन का पैसा लगा हुआ है। इस रिपोर्ट में चीन का बचाव करने और दुनिया भर में उसका प्रोपेगेंडा फैलाने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया है। अमरीकी अखबार के अनुसार वामपंथ समर्थक अमरीकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम की इसमें अहम भूमिका है। आपको बता दें नेविल रॉय सिंघम पर चीनी सरकार की मीडिया मशीनरी के साथ काम करने का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक वे दुनिया भर में चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए धन देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिंघम के ग्रुप चीन के पक्ष में अभियान छेड़ने के लिए यूट्यूब वीडियो बनाते हैं और इसके जरिए वे राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 69 साल के सिंघम संघई में बैठते हैं जहां उनका नेटवर्क यूट्यूब पर एक शो चलाता है। इसके लिए संघई का प्रोपेगेंडा विभाग उसमें कुछ पैसा देता है। हालांकि इस मामले को लेकर सिंघम का कहना है कि वो चीनी सरकार के निर्देश पर कभी काम नहीं करते। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंघम की किसी भी एनजीओ ने विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ये उन समूहों के लिए जरूरी है जो विदेशी शक्तियों की ओर से भारत की राय को प्रभावित करना चाहते हैं। ये आमतौर पर विदेशी सरकारों से धन और ऑर्डर लेने वाले समूहों पर लागू होता है। वहीं दूसरी तरफ कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक सिंघम का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फैला है जिसकी कोई सीमा नहीं। नेविल के सहयोगियों के मुताबिक वे माओवाद के घनघोर समर्थक माने जाते हैं। वे उस कम्युनिस्ट विचारधारा में यकीन रखते हैं जिसने आधुनिक चीन को जन्म दिया है। वे वेनेजुएला के नेता ह्यूगो शावेज के भी कट्टर समर्थक रह चुके हैं। नेविल रॉय सिंघम थॉटवर्क्स के संस्थापक और अध्यक्ष। थॉटवर्क्स एक आईटी कंपनी है जो कस्टमर सॉफ्टवेयर टूल्स परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेविल रॉय सिंघम अमेरिका का नागरिक है लेकिन वो क्यूबन श्रीलंकाई मूल का है। नेविल के पिता का नाम आर्ची बॉल्ड विक्रम राजा था। विक्रम राजा श्रीलंका राजनीतिक विशेषज्ञ और इतिहासकार है। वे न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी के ब्रुकलिन कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर थे। नेविल रॉय सिंघम ने 2017 में डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी राजनीतिक सलाहकार जोड़ी इवांस के साथ शादी की थी। ये शादी जमैका में हुई थी और नेविल रॉय सिंघम को साल 2009 में एक पत्रिका पर शीर्ष 50 वैश्विक विचारों में से एक का नामित किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।